नमस्कार किसान भाइयों, हमारे जय किसान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं न्यू विश्वकर्मा एग्रो इंडस्ट्रीज इंजीनियरिंग वर्क्स सिरसा रोड एलनाबाद। हम आपको जो धान थ्रेसर है, पैड़ी थ्रेसर भी बोलते हैं, इसकी कुछ खासियतों के बारे में सर से जानना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जय किसान चैनल और आपकी पूरी टीम का और उन तमाम लोगों का जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, उन किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर ये जो पैड़ी मल्टीक्रॉप थ्रेसर है जी, इससे धान निकाली जा सकती जी, ये ISI है जी। और जी। सर इससे एक घंटे में कितनी धान निकाल सकता है किसान? सर अगर धान की बात करें मैं तो ये कहूँगा कि जितना किसान इसमें डाल देगा ये निकाल देगा। आजी, 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 इसकी लिमिट नहीं है जी, अनलिमिटेड धान निकालने वाला पैड़ी मल्टीक्रॉप थ्रेसर है। चाहे इसके ड्रम के घेरे की बात करें या ड्रम की लंबाई की बात करें या चलने की लंबाई की बात करें या इसके 7 फैन की बात करें, तो सर ये लाजवाब थ्रेसर है। इसकी ये सभी हदें इसने पार कर दी सर थ्रेसर के अंदर। सर इसके व्हील काफी मजबूत दिए हुए हैं, किसान को इससे क्या लाभ होगा? सर इसका ड्रम बड़ा है, ड्रम बड़े होने की वजह से इसका अंदर का रोटर भी बड़ा है। रोटर को बड़ा किया, रोटर को बड़ा करने से उसके हिसाब से, इसके सिस्टम के हिसाब से ये हमने आगे वाले व्हील जो है बड़े किए। आगे का भी व्हील बड़ा है और पीछे का भी व्हील बड़ा है। सर इसको कितने HP के ट्रैक्टर से चलाया जाए? कम से कम 35 HP का ट्रैक्टर होना चाहिए और 35 से लेके अबव कितना भी हो सभी पर ये NVT जो पैड़ी थ्रेसर चलेगा। सर इसकी जो, क्योंकि किसान दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच एकड़ की लाख इकट्ठी कर लेता है जी, इसका जो पैरा फेंकने का सिस्टम है हाँ, लगभग कितने दूर जाके गिरेगा जिससे किसान को बार बार थ्रेसर या सर चारा फेंकने कम से कम 25 फुट से लेके 40 फुट तक दूर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत दूर जाएगा, कम से कम 25 फुट से 40 फुट। हाँ जी सर, आपने जहाँ से जो पैरा फेंकता है मशीन जी, उसके ऊपर भी एक ढक्कन लगाया हुआ है जी, इसका क्या उपयोग है? सर इस ढक्कन को अगर सीधा कर देंगे तो पूरा लंबा चला जाएगा। जैसे अगर किसी के पास छोटी एकड़ जमीन है, एक दो खेत हैं, तो वो इतना दूर थोड़ी फेंकेगा कि वो 40 फुट तक इसको इकट्ठा करे, वो थोड़ा नजदीक कर लेगा। इसके अंदर ये सिस्टम लगा हुआ है, जितना दूर फेंकना चाहे वो दूर फेंका सकता है, जितना नजदीक चाहे वो नजदीक इसके अंदर फेंक सकता है। सर आपका जो NVT पैड़ी थ्रेसर है जी, इतना क्लीन धान निकालता है जी, उसमें कचरा तो रहता ही नहीं है। कचरा क्यों होगा सर? इसके पंखे पे पंखा और फिल्टर पे फिल्टर हमने चढ़ा रखा है तो इसमें कचरा वचरा आने का तो सर सिस्टम नहीं है। और जी अगर NVT ब्रांड के अंदर कचरा पैदा आएगा तो हमारी तो पैदाइश ही सर, हम जहाँ रहते हैं ऑलरेडी सिरसा जिला के अंदर और हमारे बिल्कुल सटी हुई घग्गर नदी है और पूरे का पूरा चावल होता है, हम तो दिन में 3-3 बार इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं सर। कचरा कहाँ से आएगा सर? बिल्कुल सर, हाँ सर, कचरा तो उनके दिमाग में भी निकल जाएगा जिनके कचरा आता है, इसमें कचरा नहीं आएगा सर। इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफी शानदार दी हुई, बेरिंग वेरिंग और इतना शानदार लगाते हैं बेल्ट वेरिंग की, किसान एक बार ले जाए मशीन और सालों साल चलाए। सर आज का जो स्टेटस है मैं आपको एक बात बता दूं, हाजी, हाजी। कि देखो अगर कोई बेल्ट टूट गया, हाजी, सपोज हाजी। करो बेल्ट टूट गया तो बेल्ट वो 500 रुपए का होगा, 800 रुपए का होगा, 1000 रुपए का होगा, लेकिन जब 10 मजदूर खेत में लगे होंगे उसकी कीमत और उस टाइम की वैल्यू को देखते हुए तो ये सर हमने ये सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। और जो मतलब क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि किसान का बेटा होने के नाते किसान की समस्याओं को भलीभांति से जाता हूँ, 10 मजदूर अगर 2 घंटे में थ्रेसर ब्रेकडाउन हो गया, मजदूरों को काश्तकारों को दिहाड़ी देनी पड़ेगी और जो टाइम बर्बाद होगा वो अलग होगा और अगले खेत में जिसको टाइम दिया हुआ है वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे। अगर थ्रेसर ब्रेकडाउन होता है तो हमारी यहाँ तक ये कोशिश होती है कि सीजन के शुरू में जब किसान ने PTU शॉप पर डाला और सीजन कंप्लीट करके बाहर निकाले, ये हमारा सपना है सर। तो सर आपने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई जी, तो इससे हमारे किसान भाई भी लाभान्वित होंगे जी। तो किसान भाइयों, हमारा चैनल, आपको हमारा जो वीडियो है वो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। इतनी मेहनत से हम मध्य प्रदेश से हरियाणा आए और सर एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, जिस दिन जिस किसान ने ये थ्रेसर चला लिया उस दिन वो थ्रेसर और किसान बोलेगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। लास्ट के अंदर ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जय जवान जय किसान।